दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी एच एडवाइज में। दोस्तों ये वीडियो आज मैं अपने घर पर नहीं हूँ और मामा जी के घर पर बना रहा हूँ। मेरे Instagram पर बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, इसलिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। मैं आपको बता दूँ 2020 में YouTube ने बहुत सारे अपडेट किए हैं, लेकिन कुछ अपडेट ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है और एक अपडेट ऐसा है जिसके बारे में सभी को पता है। कहने का मतलब, अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तभी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप ये सब कंप्लीट करते हैं उसके बाद अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको एक मेल आता है, उस मेल में दिया होता है रीयूज्ड कंटेंट। दोस्तों फिर आपका मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। रीयूज कंटेंट क्या होता है? अगर हमारे चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाता है तो क्या चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं? तो दोस्तों सारी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बट दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल के आइकन पर भी टच कर देना। दोस्तों मान लेते हैं जैसे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं और इस वीडियो को बना के मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, उसके बाद YouTube पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरी वीडियो डाउनलोड करके अपनी चैनल पर अपलोड कर दिया। बट क्या होता है, YouTube के सर्वर में जो पहले वीडियो अपलोड की जाती है, जिस चैनल पर पहले वीडियो अपलोड की जाती है वो डिटेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही मैंने अपनी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया और ये YouTube सर्वर में डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन जिस बंदे ने मेरी वीडियो डाउनलोड करके YouTube पर अपने चैनल पर अपलोड कर दी तो फिर क्या होता है, मैं उस बंदे को कॉपीराइट दे सकता हूं। मान लेते हैं अगर मैंने उस बंदे को कॉपीराइट नहीं दिया तो उसके चैनल पर कुछ नहीं होगा। अगर मैं उस बंदे को कॉपीराइट दे देता हूं तो उसके चैनल को डिलीट होने के भी चांस बन जाते हैं और उसका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है। लेकिन मैं उसको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देना चाहता हूं और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक देता हूं तो उसके चैनल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट जब उसके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के जैसे अप्लाई करेगा तो YouTube उसे मेल करके बोल देगा कि आपने अपने चैनल पर पहले यूज की हुई वीडियो अपलोड की है। कहने का मतलब रीयूज्ड कंटेंट। और दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट आए थे और मैसेज आए थे, उन्होंने पूछा कि सर जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पर कोई वीडियो सेंड करता है और उस वीडियो को हम डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो क्या रीयूज कंटेंट आ सकता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी बता दूं, जैसे कि कोई आपके व्हाट्सएप पर कोई वीडियो शेयर करता है और वो जो वीडियो आपके पास शेयर की गई है अगर आपसे पहले किसी ने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है तो रीयूज कंटेंट आ सकता है। अगर उस वीडियो को किसी ने अपलोड नहीं किया है तो रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। आप उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, फिर वो यूट्यूब सर्वर में डिटेक्ट हो जाएगी कि ये वीडियो आपकी है। जैसे कि मान लेते दोस्तों टिकटॉक पर कोई स्टार है, रियाज मान लो, कोई किसी को भी मान लो, वो बंदा अपने टिकटॉक आईडी पर एक वीडियो अपलोड करता है, ठीक है, और उस वीडियो को आपने डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी, जो सबसे पहले डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देगा वो वीडियो उस बंदे की हो जाएगी। कहने का मतलब यूट्यूब सर्वर में वो वीडियो सबसे पहले डिटेक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई भी बंदा उस चैनल पर जाकर दोबारा से वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करता है तो उस बंदे को YouTube यही मेल देगा कि रीयूज कंटेंट। रीयूज कंटेंट का मतलब यही होता है कि जो वीडियो पहले से अपलोड कर दी गई है, पहले से उपयोग में ले ली गई है, उसके बाद वो दोबारा से अपलोड की गई है। इससे पहले ऐसा कोई मैटर नहीं था, रीयूज कंटेंट वाला कोई भी मैटर नहीं था, कोई भी फंडा नहीं था। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी अपलोड करने वाले चैनलों की। जो कुछ भाई हैं उनके मूवी अपलोड करते हैं तो उन लोगों के भी मेरे पास मैसेज आए हैं, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे चैनल अब मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, कोई भी मूवी रिलीज होती है तो आपसे बहुत बड़े चैनल है, टी सीरीज वगैरह, वो भी अपलोड कर देते हैं। जैसे कि आप वो किसी मूवी को डाउनलोड करके उसका साउंड म्यूट करके आप अपनी तरफ से कुछ भी साउंड डाल सकते हैं, आवाज वगैरह डाल सकते हैं, तो आप रीयूज कंटेंट से बच सकते हैं। लेकिन जिस बंदे की आप वीडियो को यूज कर रहे हैं अगर वो बंदा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है फिर वो आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आई थी, मैसेज आए थे, क्या हमारे चैनल पर जो रीयूज कंटेंट आ जाता है तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है? अगर कोई रीयूज कंटेंट का हमारे चैनल पर वीडियो है
तो क्या हमारा चैनल मोनिटाइज हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके चैनल पर कोई भी वीडियो ऐसी है जैसे कि आपको लगता है कि ये वीडियो रीयूज कंटेंट में आ सकती है, ये वीडियो रीयूज कंटेंट की है, जैसे कि मान लेते हैं आपको यूट्यूब मेल करके बताता भी है अगर आपकी किसी भी वीडियो में रीयूज कंटेंट वाली वीडियो है तो आप उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को डिलीट कर दो और यूट्यूब आपको टाइम भी देता है। दोस्तों जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे तो हमारा वॉच टाइम चला जाएगा। भाई अगर आपका वॉच टाइम कम हो जाता है तो आप न्यू वीडियो बनाकर अपलोड कर दो, जैसे ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भाइयों के एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो बहुत ही सोचने वाला है और उन्होंने मेरे को बोला है कि सर हम अपने चैनल पर अपनी ही वीडियो अपलोड करते हैं फिर भी हमें मोनेटाइजेशन करते टाइम रीयूज कंटेंट वाला मैसेज आया है, मेल आया है, तो वो कैसे आया? तो मैं दोस्तों उन लोगों को भी बता दूं, उन लोगों ने क्या क्या है, जितनी भी वीडियो अपलोड की है उन सभी वीडियो में उन्होंने जो टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होता है वो सेम लिखा है। भाई कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हो तो उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर एक वीडियो में आपको चेंज करके लिखना चाहिए जिससे रीयूज कंटेंट से आप बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ भी जाता है फिर भी आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, आप बिल्कुल घबराओ मत, बेफिक्र रहना। और अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप न्यू वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दो, और जैसे ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं और आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।